नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। शाम हो चली है, वक्त हो चुका है इस वक्त के बुलेटिन का। आपके शहर में क्या, कब और कैसे हुआ, चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं आज के तमाम सुर्खियों की ओर। लखेंद्र पासवान का निलंबन हुआ वापस, सदन में लौटे भाजपा विधायक, स्पीकर बोले आप आए बाहर लाए। लालू राबड़ी और मीसा भारती को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया जमानत। राजद खुश हुई, भड़क गई भाजपा, बिहार विधानसभा के बाहर लड्डू खिलाने के दौरान दोनों में हाथापाई। सदन में दखलअंदाजी का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, जदयू नेता संजीव कुमार बोले स्पीकर का फैसला बिल्कुल सही। लोकतंत्र को कुचलने की हो रही कोशिश, जीवेश मिश्रा बोले सत्ता पक्ष के तोता की तरह काम कर रहे स्पीकर। कटिहार में शराब और गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, रेलवे क्वार्टर में चल रहा था अवैध कारोबार। बिहार में पुलिस का गजब कारनामा, वैशाली में मजदूरी के बदले दी शराब की बोतल। लालू के करीबी अबू दोजाना पर भी आएगी सीबीआई के जांच की आंच, राबड़ी देवी से 7.5 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदी। सुशील मोदी बोले सीबीआई के पास पुख्ता सबूत, लालू परिवार को नहीं बचा पाएंगे नीतीश कुमार। मुखिया का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहे लालू, सुशील मोदी का कटाक्ष, बोले चारा घोटाला से भी किया था इनकार। लालू परिवार की राहत के बीच आरजेडी अध्यक्ष से मिलने पहुंची डिंपल यादव, दिल्ली में मीसा भारती के घर पर हुई मुलाकात। अडानी मुद्दे पर मार्च निकाल रहे विपक्षी दलों को रोका गया, संसद में फिर हुआ घमासान। सीएपीएफ में खाली है 84,866 पद, नित्यानंद राय बोले पिछले 5 महीनों में सरकार ने की 31,000 कर्मियों की भर्तियां। कैम्ब्रिज विवाद के बीच भारत वापस लौटे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी बोली देश से मांगे माफी। फिलहाल के इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जब भी बन रही है हमारे साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल डीएनए न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।